हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू अ डे इन माय लाइफ वीकेंड एडिशन। टुडे आई एम गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम पंचकुला। सो आज कैब लेट होने की वजह से आई हैव रीच्ड अ लिटिल लेट। इट्स ऑलरेडी 6:40 एंड माय ट्रेन इज एट 6:50। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन इज अंडर कंस्ट्रक्शन और इसे ऑलमोस्ट 1 ईयर लग जाएगा पूरी रिकंस्ट्रक्शन होने में। सो ये रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 462 करोड़ का है। इसमें मल्टी लेवल पार्किंग्स, 27 लिफ्ट्स, 11 एस्केलेटर्स और शॉपिंग प्लाजा भी होगा। सो माय ट्रेन हैज़ अराइव्ड ऑन टाइम। सो आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर सम वर्क और क्योंकि इट्स ऑल्सो वीकेंड, सो आई विल बी प्लानिंग सम आउटिंग्स। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द व्लॉग। सो वी हैव रीच्ड अम्बाला और यहाँ से ऑलमोस्ट 2 आवर्स और लगेंगे। अगर आप कालका शताब्दी का ट्रैवल एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं देन प्लीज़ चेक आउट माय अदर व्लॉग। सो मैं दिल्ली पहुँच गया हूँ और यहाँ पर वेदर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सो स्टेशन से 2 मिनट्स की वॉक पर ही मेट्रो स्टेशन है एंड मेट्रो से आई विल बी गोइंग टू वेस्ट दिल्ली, जहाँ पर आई विल बी स्टेइंग एट माई फ्रेंड्स प्लेस। सो दिस इज़ प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन एंड एज यू नो ये रेड लाइन पर पड़ता है। So luckily I got the seat in metro. So I am about to reach my destination और आप यहाँ पर देख सकते हो कि सड़क पर कितने ज़्यादा गड्ढे हैं और कितना ज़्यादा पानी भर चुका है। मानसून में as you know most of the Indian cities का यही हाल होता है। I feel bad for people जिनको रोज़ इन सड़कों से travel करना होता है। सो मैं अपने फ्रेंड के घर पहुंच गया हूं और यहां पर टेस्टी लंच करते वक्त वी आर डिसाइडिंग व्हाट वी शुड बी डूइंग नेक्स्ट। घर पर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वी डिसाइडेड टू गो टू द मॉल एंड वॉच द मूवी डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन। अगर आप ये मूवी ऑलरेडी देख चुके हैं देन प्लीज़ लेट मी नो अबाउट योर रिव्यूज़। सो अभी मूवी स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, सो वी डिसाइडेड टू गो टू यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस एंड एज यूजुअल इट इज़ वेरी हार्ड टू डिसाइड फ्रॉम दिस मेन्यू। सो फाइनली हमने डिसाइड किया टिक्का रोल और कॉफ़ी लेने का एंड इट वॉज ऑल सो गुड। सो मूवी स्टार्ट होने वाली है एंड सिंस इट्स अ मार्वल मूवी आई एम अ लिटिल एक्साइटेड टू वॉच इट। I'm not proud of any of this. The wanton violence, the whiff of necrophilia, it isn't who I am. It isn't who I want to be. Okay, so honest review about the movie, I think it's a 6 out of 10. I had high expectations, but it was okayish. So ghar jaane se pehle hamara last minute decision tha to go to the club and it was awesome. So this was a day in my life where I visited Delhi, I went to the mall, I watched a movie and I had a good time at the club. And now it's time to go back home. Thanks a lot for watching. Please like, subscribe if you haven't already.